हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर का है टॉप, इसमें आज मैं पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन इस मेथड से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और इस मेथड को ईजिली वे में आप सभी को समझाऊंगी। तो देखिए, इसका बाय थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले तो कंसीडर द ऑर्डरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, इसमें dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई विद द इनिशियल कंडीशन, जिसमें इनिशियल कंडीशन क्या होगी कि y फंक्शन होगा किसका, x नॉट का, जो कि इज इक्वल टू होगा y नॉट का। अभी मैं क्वेश्चन लूँगी, उससे आप समझना कि मैंने क्या लिया है। देखना, dy इज इक्वल टू क्या हो गया, अब हम फंक्शन x कॉमा वाई डी एक्स, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट खोल दिया, ऑन इंटीग्रेट कर दिया इसको y नोट टू y डी वाई के लिए और इसको x नोट टू x के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूला बन गया, y इज इक्वल टू y नोट प्लस इंटीग्रेशन x नोट टू x फंक्शन x कॉमा वाई डी एक्स। मैंने यहाँ लिखा है कि इक्वेशन नंबर टू इज़ अ कार्डिन इंटीग्रल इक्वेशन इक्विवेलेंट टू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट विच कंटेन द अननोन वाई अंडर द इंटीग्रेशन साइन। तो इसमें इसका फॉर्मूला ये होता है कि वाई इज इक्वल टू वाई नोट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नोट टू एक्स फंक्शन एक्स कोमा वाई डी एक्स। तो हमें मेनली ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पिकार्ड्स मेथड को सॉल्व करते हुए हमें इस मेथड को ध्यान में रखना है और इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स वाई विद एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो और वाई नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन दे रखी है हमें, ठीक है। और इसको कब तक सॉल्व करना है, अप टू द थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक। तो एक्स नॉट ज़ीरो दे रखा है, वाई नॉट ज़ीरो दे रखा है। तो कंडीशन जैसे हमें कंडीशन देखी थी, कंडीशन हमें गिवन है एक्स नॉट ज़ीरो वाई नॉट ज़ीरो और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा है। तो मैंने इसको लिख दिया फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई। अब लिखेंगे बाय पिकार्ड्स मेथड। अब इसमें फॉर्मूला लगाया हमने y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस इंटीग्रेशन x नोट टू x फंक्शन x कोमा वाई डी एक्स। अब उसने बोला कि हमें अप टू थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक निकालना है, तो पहले हम निकालते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मीन्स देखो y रेस टू द पावर, मतलब इसके ऊपर हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेना है। y नोट हमारा ज़ीरो प्लस इंटीग्रेशन x नोट टू x फंक्शन x कोमा y नोट डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हमें x नोट लेना है और y को लेना है y नोट, ठीक। अब यहाँ देखो, ये हो एक्स नोट क्या है हमारा ज़ीरो, देन वाई नोट क्या है ज़ीरो। अब इन अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जब हम वैल्यू रखेंगे, वाई नोट की जगह क्या रखेंगे ज़ीरो और इंटीग्रेशन एक्स नोट की जगह ज़ीरो टू एक्स फंक्शन एक्स कॉमा वाई नोट ज़ीरो डी एक्स। अब फंक्शन एक्स कॉमा वाई क्या है हमारे पास, ये। अब इसी जगह हम रखेंगे फंक्शन को, तो हमारे पास ये तो ज़ीरो हो गया, इंटीग्रेशन ज़ीरो टू एक्स वन प्लस एक्स, अब एक्स वाई है, वाई नोट की जगह मीन्स वाई नोट ही लेते हैं हम पहले यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ देखो वाई नोट, इंटीग्रेशन ज़ीरो टू एक्स वन प्लस एक्स, अब वाई नोट की जगह रखेंगे ज़ीरो, तो हमारे पास ये तो बन गया ज़ीरो। अंदर क्या बचेगा हमारा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ज़ीरो टू एक्स सिर्फ वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स ज़ीरो टू एक्स मीन्स एक्स हमारे पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या है एक्स। अब इसी तरह हम निकालेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। अब जैसे हमने यहाँ पर वाई रेज टू द पावर वन लिया था, अब सेकेंड के लिए हमें इसको इस तरह से लिखेंगे कि वाई फंक्शन पावर टू वाई नोट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नोट टू एक्स फंक्शन एक्स कोमा, यहाँ वाई नोट की जगह अब लेना है वाई वन डी एक्स। बस फंक्शन में हमें यहाँ चेंज करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे वाई नोट लिया था, अब यहाँ पे हमें फंक्शन वाई वन लेना है। अब
वाई नॉट, तो हमारे पास सेम वही वैल्यूज हम रखेंगे हेयर, एक्स नॉट तो ज़ीरो है, वाई नॉट भी ज़ीरो है क्वेश्चन में गिवन, और वाई वन अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट करा है वो है एक्स, मीन्स ये अगर हम इसको करेंगे तो मीन्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक्स, ठीक है। वाई रेज टू द पावर स्क्वायर टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स, फंक्शन क्या था हमारा, वन प्लस एक्स वाई डी एक्स, और यहाँ वाई वन रखेंगे। इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ आगा ज़ीरो प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो एक्स वन प्लस एक्स, अभी वाई वन की वैल्यू क्या आई है, एक्स डी एक्स, तो हमारे पास अंदर इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा। आफ्टर सॉल्विंग इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री, ठीक है, वन का इंटीग्रेशन एक्स एंड एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय थ्री, हमारे पास ये आ गया। अब इसी तरह से हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। इन थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमारे पास फिर से वही एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, वाई नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, एक्स टू की वैल्यू अभी हमारे पास फाइंड आउट करके आई है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री। अब जब अप्रोक्सीमेशन थर्ड निकालेंगे तो अंदर फंक्शन वाई की वैल्यू क्या होगी, टू, वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स रखेंगे, फंक्शन हमें क्या गिवन है, वन प्लस एक्स वाई डी एक्स, वैल्यूज रखेंगे सभी तो ज़ीरो प्लस इंटीग्रेशन ज़ीरो टू एक्स वन प्लस, यहाँ टू आएगा, वन प्लस एक्स। अब देखो एक्स वाई टू की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री डी एक्स, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, एक्स की मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे तो हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एक्स की पावर फोर बाय थ्री डी एक्स, देन आफ्टर सॉल्विंग इंटीग्रेशन हमारे पास आंसर आएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर फाइव बाय थ्री, ठीक है। तो हमारे हमें क्वेश्चन में कहा था अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमने सॉल्व कर दिया, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो गया।